का उत्तर चुगा दिया हमने, चुगाया दाना डाला। थोड़ी देर बाद देखा था जंगली कबूतर भी आ गया, जंगली कबूतर आया भाई, तो जंगली कबूतर गोरी मक्खी, मक्खी और जंगली कबूतर क्या भाई, ये जंगली कबूतर था आली भाई एकदम से उड़ गया। ये कबूतर को देखते हुए एकदम एकदम दूसरे कबूतर पे चली जाती है, एकदम ऐसा होता है जैसे कि मान के चलो भाई कुछ भी चीज हो जाए एक तरह से भाई। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक एक बार दोस्तों फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने अभी पिजन लवर में। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी अलग ही है, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको कबूतर की मक्खी या जू का इलाज बताएंगे। दोस्तों बहुत ही बेस्ट तरीका है भाई, इस वीडियो में आपको बचाव बताएंगे। और भाई क्योंकि भाई आप बड़ी वीडियो देखते नहीं हो, क्योंकि 14-15 मिनट की वीडियो बैठ जाएगी आप देखते नहीं हो, इसलिए भाई छोटी बनाएंगे, इसमें बचाव बताएंगे। एक पार्ट भाई कल बता देंगे आपको कि भाई इसके जिस कबूतर को जूमू हो गई है इस चीज़ का इलाज भी बता देंगे आपको, पूरा नहा हुआ के दिखाएंगे कबूतर कैसे कैसे नहाने हैं कैसे नहीं। इस वीडियो में भाई आपको बस बचाव बताएंगे। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि आप बचाव कर लोगे ना भाई, ये फिर जो इस चीज़ की दवा वगैरह करने की कोई जरूरत भी नहीं है भाई, बचाव करो सबसे पहली बात। जो हमारे नए कबूतर बाज है भाई, जिन भाइयों को नहीं पता है बचाव ये बचाव कर लीजिए भाई, बचाव से बढ़िया चीज़ कुछ भी नहीं होती भाई। जो बंदा भाई पहली कि भाई गर्मी चल रही है, गर्मी के मौसम में भाई ये जू हो जाती है, गंदगी वंदगी सा हो जाती है भाई, ये जो कोई अपना दड़बा सपा नहीं करता है इसलिए हो जाती है भाई ज़्यादातर, खास करके बात यही है। और भी बताऊँगा भाई बचाव बताऊँगा, बहुत अच्छे अच्छे बचाव हैं। तो भाई पहले बात यह सुन लीजिए भाई, होती क्यों है ये चीज़, ठीक है भाई, पहले सुन लीजिए होती क्यों है। नंबर वन भाई चीज़ यही आती है कि जो भाई दड़बे के अंदर जो कबूतर भाई बीट करता है इस कबूतर की बीट ना सफा करना भाई, दड़बे को सफा ना करना, इस चीज़ से सबसे बड़ी बीमारी भाई मक्खी पैदा हो जाती है, कीड़े हो जाती है भाई, जू पैदा हो जाती है मक्खी परों में, सबसे पहली बात तो यही है। और भाई दड़बा साफ जरूर करना चाहिए, दड़बे से भाई मैं कह रहा हूँ भाई, जब कबूतर बीट करता है भक्का बन जाता है, गैस बन जाती है भाई दड़बे के अंदर गैस बन जाती है, वो भाई बहुत बीमारी का कारण हो जाता है, बहुत तकड़ी बीमारियों का, एक बीमारी का नहीं भाई अनेक बीमारी पैदा हो जाती है कबूतर के अंदर, बहुत सारी बीमारी। इसलिए भाई अपना दड़बा साफ सुथरा रखें और भैया स्वच्छ रखें बिल्कुल अच्छा, ठीक भाई। नंबर दो बताता हूँ क्यों होती है मक्खी। नंबर दो भाई ये है, जब कबूतर भाई बच्चे निकाल देता है, बच्चे अंडे में से, तो भाई बच्चे के ऊपर कबूतर की बीट लग जाना, इससे भी हो जाती है भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है ना दोस्तों। और भाई तुम्हारे जो नाली वाली होती है, नाली घरों में मक्खी मच्छर से, इनसे भी भाई मक्खी ये बन जाती है ये वाली कबूतरों में। जंगली कबूतर भाई छत पर आ गया, ये खास करके भाई जंगली कबूतरों को होती है ये वाली मक्खी। अब जैसे कि आप कबूतर चुगा रहे हो खुले में कबूतर चुगा रहे हो भाई, खुले में कबूतर चुगा दिया हमने, चुगाया दाना डाला, थोड़ी देर बाद देखा था जंगली कबूतर भी आ गया, जंगली कबूतर आया भाई, तो जंगली कबूतर गोरी मक्खी और जंगली कबूतर क्या भाई, ये जंगली कबूतर से आ गई भाई एकदम से उड़ के, ये कबूतर को देखती है भाई एकदम दूसरे कबूतर पर चढ़ जाती है एकदम, ऐसा होता है जैसे कि मान के चलो भाई कुछ भी चीज़ हो जाए एक तरह से भाई मक्खी ना गुड़ देखा एकदम चिपक गई, ऐसा भाई जंगली कबूतर से देखी पालतू कबूतर पर चढ़ गई, यही होता है भाई असर, बहुत ये बीमारी इस चीज़ के बहुत सारी चीज़ें भाई होने के कारण, तो बहुत बड़ी वीडियो बैठ जाएगी भाई, इसलिए मैं आपको बचाव बताता हूँ भाई। सबसे पहली बात बचाव यही है, अपने दड़बे को भाई साफ सुथरा रखो, मेरा कहने का मतलब यह है हफ्ते में भाई दो बेर जरूर सफा कर दो भाई, बहुत ज़्यादा जरूर सफा कर दो भाई। इस चीज़ के ऊपर भी भाई वीडियो बनाऊंगा, दड़बा साफ क्या ही चीज़ से करें और कैसे करें, ठीक है ना भाई, चीज़ से भाई वीडियो बना दूंगा, बढ़िया बढ़िया वीडियो आ रही है, क्योंकि भाई हमें भी थोड़ी सी नॉलेज होती जा रही है चीज़ के मामले में, इसलिए भाई हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नई नई वीडियो आ रही है बढ़िया बढ़िया। जो भाई नया कबूतर बाज है ना, जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ गया भाई, झूठ नहीं कह रहा हूँ भाई, यूँ सोच लो कभी भी कबूतर के अंदर बीमारी तो भाई आने की नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल से लिए जुड़ते रहो बस, ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ते रहो और शेयर करते रहो। तो भाई नंबर दो ये है, जब भी भाई जंगली कबूतर आए उसे जंगली कबूतर को आने मत दे, मतलब कि छत पर मत आने दे, दूसरी तरफ डाल दे, जैसे कि दूसरे की छत पर डाल दो दाना, इस चीज़ से भाई वो बहुत ये चीज़ है। और भाई तीसरा तरीका बताता हूँ आपको क्या करना है, जब भी भाई जंगली जंगली यो
दड़वे, जब भी दड़वे में ना, दड़वे में भाई बारीक जाली जरूर लगाए, अपने दड़वे में बारीक जाली जरूर लगाए, मच्छर वाली जाली। इससे भाई गंदी मक्खी आती है नाली वाली के मक्खर, मच्छी मक्खर इससे ही भाई पैदा हो जाती है, ये काट लेती है, इससे ही बीमारी बहुत बड़ी पैदा होती है, इसलिए भाई बारीक जाली जरूर लगाए। दोस्तों मैं आपको तीसरा तरीका और बताता हूँ भाई इस चीज़ का बचाव, तीसरा और तरीका बताता हूँ, तीन तरीके से भाई आप बचाव कर लोगे, तीन तरीकों को भाई मैं कह रहा हूँ तीन तरीका आजमा लेना भाई, आपके कबूतरों में मक्खी बिल्कुल भी नहीं आने की है। और भाई जो आ भी गई मैं आपको भाई इलाज बता दूंगा, कल एक वीडियो इसके बाद डाल दूंगा भाई, ये पहला पार्ट रहेगा, दूसरा पार्ट बना दूंगा, कहने का मतलब ये है बस आपको पूरी चीज़ डिटेल में बता दूंगा भाई, नहा वहा के दिखा दूंगा, बस बचाव की वीडियो पहला आनी चाहिए भाई, इसमें बचाव पहले है, इलाज तो भाई बाद में है, बचाव हो जाए तो सब चीज़ हो जाए। तो भाई तीसरा तरीका और बताता हूँ क्या, जब भी भाई बच्चे निकलवाओ बच्चे के नीचे सबसे पहले तो ये एक टोकरी रखनी चाहिए, जो जिसमें भाई अंडे रख सकें, टोकरी जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, टोकरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि भाई टोकरी रहेगी तो भाई इसके अंदर थोड़ी बीट भी कम होगी, जो मादी या नर बैठता है वो भाई बीट पेट्टी के अंदर बाहर करेगा, पेट्टी की भी भाई चौड़ी सी रखो, एक ऐसा खन्ना रखो भाई बड़ा सा, जिससे कि भाई परेशानी ना हो कबूतर को और कबूतरी को और बच्चों को भी, तीनों चारों बच्चे यो चारों जने भाई माँ बेटा बाप चारों ऐसे आ जाए बिल्कुल खुले में, जब भी जाए जिया बच्चा नहीं चाहिए, ऐसी पेट्टी बनाओ और इसमें भाई टोकरी लगा दो, टोकरी लगा दो भाई बीट फिर तो बच्चों का नहीं आने की है, बच्चों का नहीं आने की तो भाई मक्खी बनने की है, बीट से भाई बहुत ज़्यादा होती है भाई मक्खी बहुत ज़्यादा गंदगी, मक्खी का क्या कारण है भाई, मक्खी भाई गंदगी जगह ज़्यादा आती है, जहाँ गंदगी आएगी वहीं ज़्यादा आएगी, इसलिए भाई मैं कहता हूँ आप साफ़ सुथरा रखें दड़बे को भी भाई, और जंगली का उत्तर गुनान दें, और अपनी भाई पेट्टी और टोकरी जरूर लगाएं, ये तीनों भाई बहुत ही एक्सपेरिमेंट करे भाई हमारे जो है, बहुत ही अच्छी चीज़ है भाई। और भाई जो हमने भाई तुलसी और इस चीज़ का इलाज बताया था, इसका भाई दो तीन दिन में भाई दूसरा पार्ट आ रहा है भाई, हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है इस चीज़ के ऊपर भाई, जो हम पहला अपने कबूतर पर आजमा लेते हैं जब भी चीज़ बताते हैं, ठीक है ना दोस्तों, पहले हम अपने कबूतर पर आजमाते हैं फिर आपको बताते हैं भाई, नई नई चीज़ लेकर आता हूँ बहुत ही अच्छी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो हमारे भाई पहली बार हमारे चैनल को देख रहा हो, वीडियो को देख रहा हो भाई, लाइक कर देना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों का शेयर भी करना। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा भाई, इसके कल ही मिलेगा भाई, कल ही डाल दूंगा, ठीक है ना, कल परसों में। तो जय हिंद दोस्तों।